सो गाइस, आज हम बात करेंगे डिटेक्टिव कोनन के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज भी लोग को कन्फ्यूजन होती है कि अगर इसे स्टार्ट करें तो कैसे। सबसे पहले तो 1000 एपिसोड देखकर लोग बोलते हैं ये तो मैं सपने में भी शुरू नहीं करूँगा, और चालू भी अगर करता हूँ तो क्या ये वर्थ इट भी है। तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा कि कोनन को कैसे देखना है, वो भी इतना जल्दी आप कॉट अप कर लोगे बिना कुछ मिस किए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोग को लगता है कि ये एक एपिसोडिक मिस्ट्री ड्रामा शो है और लोगों को लगता है कि ये रैंडमली डोरेमोन शिनशन जैसे एपिसोड आते हैं इसके, तो यहाँ पर आप बहुत गलत हो। इसके अंदर भी प्लॉट है जो काफ़ी ही यूनिक और बाकी एनिमे से एकदम हटके है। अगर आप कोनन की कोई भी रैंडम एपिसोड देख लेते हो आपको केस तो समझ आ जाएगा, पर कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स, वो कैरेक्टर कौन है और यहाँ कोई चीज़ की बात हो रही है जो केस से रिलेटेड भी नहीं है, वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वो कोनन के प्लॉट का हिस्सा है। इसलिए आपको डिटेक्टिव कोनन शुरुआत से देखना होगा, पर यहाँ पर आपको एक मस्त वाला एडवांटेज मिलता है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फिलर्स है और इतने अनरिलेटेड केसेस है जो प्लॉट से रिलेटेड भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, वो भी आप अगर स्किप करते हो तो 1000 एपिसोड में से आपको सिर्फ 450 या 500 एपिसोड ही शायद आपको देखने हैं बस, बाकी सब कुछ स्किप करना है। फिलर्स को तो आपको ऐसे इग्नोर करना है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पर हाँ 3-4 फिलर्स है जो नहीं देखना बेइज्जती होगी। तो वो भी कौन से है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। समझ लो 90% फिलर्स एपिसोड इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कंपेयर टू कैनन एपिसोड, 10% अच्छे होंगे फिलर एपिसोड्स बस। तो अब आप ही अंदाज़ा लगा लो कि अब इतना तो आप देख ही सकते हो यार। जब आप वन पीस पूरा देख सकते हो तो एक बार इसको भी देख लो, क्योंकि इंडिया में सच बता रहा हूँ लोग क्या चीज़ से अनजान है यार, उन्हें आइडिया भी नहीं है। तुम क्लासिक मास्टरपीस एनिमे नहीं देख रहे हो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि ये एक थ्रिलर सस्पेंस शो है। ये एक ऐसा पहला डिटेक्टिव एनिमे शो होगा जिसके अंदर सब जॉनर फिट होते हैं, सब कुछ है इसके अंदर, और मेरा शायद ये तीसरा डिटेक्टिव कोनन का वीडियो होगा। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अब देखो दोस्तों, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक कम्प्लीट मेन स्टोरी लाइन गाइड क्रिएट की है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये पूरी गाइड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत बार रीचेक करके हर एपिसोड डाले हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट मेन प्लॉट एपिसोड्स है, सब प्लॉट्स है, मास्टरपीस केसेस है, बहुत से कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन केसेस है, जिन जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो वाले केसेस भी है, और बहुत कुछ है। इवन मैंने वो फिलर केसेस भी इंक्लूड किया है जो मैंने ऊपर आपको बताया। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से सुनना। जब आप एनिमे देखोगे तो एक एपिसोड में मुझे करेक्शन करना है। जब आप एपिसोड 13 पर पहुंचोगे तो यहाँ पर एनिमे वालों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी जानबूझकर, क्योंकि वो लोग को लगा था कि कोनन एपिसोड 12 या 50 एपिसोड्स के अंदर एंड हो जाएगा। पर जैसे ही कोनन की मूवी 1 सुपर हिट हो गई तो कोनन के और एपिसोड्स बनने लगे, और उन्होंने फिर एपिसोड 13 का रीमेक किया एपिसोड 128 में। तो आपको उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एपिसोड 128 को एपिसोड 13 में रीनेम कर दिया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपके लिए एक व्यूइंग सोर्स भी प्रोवाइड किया है जहां पर हमारी कंप्लीट गाइड लिस्ट के सारे एपिसोड्स गूगल ड्राइव लिंक में हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिधर से आप ऑनलाइन या डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। इतना सब बताने के बाद भी अगर तुम्हारे समझ नहीं आया तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो जो पूरा डिटेक्टिव कोनन फैंस के लिए ही है। इधर आप मुझको जो पूछना चाहते हैं कोनन के बारे में पूछ सकते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स आपको सब बता देंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके मन में ये सवाल है कि डिटेक्टिव कोनन की मूवीज को कब देखना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप मूवीज़ को एंजॉय पूरी तरीके से तब कर पाओगे जब आप एनिमे से कॉट अप हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, एनिमे ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास कोनन देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तब ये मूवीज़ काम आएगी। तो आप ये सारी मूवीज़ को देख सकते हो एनिमे कॉट अप के बाद।
अब दोस्तों, अगर मुझ पर यकीन करते हो और भरोसा है तो मेरी ये बात याद रखना, अगर ये शो को आप ड्रॉप करने वाले होंगे, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम लोग एपिसोड 345 के बाद बिंदास ड्रॉप कर देना। अगर यहाँ तक भी तुम्हें मज़ा नहीं आया तो फिर शायद ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, क्योंकि कोनन देखना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यार सब कुछ वर्थ इट है। इसके स्पॉइलर से सक दूर रहना, इसके कैरेक्टर्स के नाम तक मत पढ़ना, हर चीज़ साला स्पॉइलर है, तो ब्लाइंडली देखना और जब बड़े बड़े रिवील्स होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये उटाकू क्यों इतना बोल रहा था देखने। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देखोगे या नहीं। मैंने टोटल नंबर ऑफ एपिसोड की लेंथ को छोटा कर दिया, आप लोग देखे कहाँ से वो लिंक तक प्रोवाइड कर दिया, फिर भी आप शो नहीं देखते हो तो आप क्या मिस कर रहे हो आपको पता भी नहीं है। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हरेगा तो गुजाए।